हेलो एवरीवन, आज मैं शेयर कर रही हूँ गेट रेडी विथ मी। तो ये लुक मैंने क्रिएट किया है बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम मेकअप प्रोडक्ट का यूज़ करके। सो अगर आप बिगनर्स हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो किसी भी मेकअप को करने से पहले हमें अपने फेस को क्लीन करना है, स्किन केयर ज़रूर करना है, हमारा जो मैंडेटरी पार्ट है स्किन केयर का कहीं भी जाने से पहले। सो सनस्क्रीन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको स्किप नहीं करती हूँ मैं किसी भी टाइम में। तो सबसे पहले सनस्क्रीन अप्लाई कर लूँगी मैं। तो सनस्क्रीन मैंने यूज़ किया है वॉर स्किन साइंस का वेरी हाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम UVA UVB प्रोटेक्शन सनस्क्रीन। इसमें आपको मैट फिनिश मिलेगा, SPF 55 के साथ आती है ये, ऑल स्किन टाइप्स के लिए सुटेबल भी है। एंड ये जो सनस्क्रीन है गाइस नेचुरल डिराइव्ड इंग्रेडिएंट के साथ बनाई गई है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। सो वॉर स्किन साइंस एक काफ़ी अच्छा ब्रांड है। इसके जो प्रोडक्ट होते हैं 100% वीगन होते हैं, क्रुएल्टी फ्री, पैराबिन फ्री, सिलिकॉन्स फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है। सो गाइज ये जो सनस्क्रीन है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मेरी वन ऑफ माई फेवरेट सनस्क्रीन। सो आप देख सकते हो काफ़ी क्विकली ये हमारे स्किन में ऑब्जर्व हो जाती है एंड नॉन ग्रीसी नॉन स्टिकी है ये सनस्क्रीन। सो सनस्क्रीन हमें ओनली फेस पे ही नहीं, नेक एरिया पे, हैंड पे, लेग पे, आप वो सारे एरिया पे लगा सकते हो जो कि सन एक्सपोजर जिसका होता है। सो कुछ इस तरह से सनस्क्रीन मैं अप्लाई कर लूँगी, काफ़ी क्विकली ये जो सनस्क्रीन है इजिली अप्लाई हो जाती है, स्प्रेड कर लेना है हमें अपने पूरे स्किन पे अच्छे से। एंड काफ़ी अच्छा मैट फिनिश देती है एंड कोई भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ती ये सनस्क्रीन। सो सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ पैन स्टिक। सो पैन स्टिक जो होता है गाइज, अगर आप बिगनर्स हो तो आपके लिए बेस्ट है, ये कंसीलर एंड फाउंडेशन दोनों की तरह वर्क करता है एंड बहुत ईजिली आप इसको हैंड से भी ब्लेंड कर सकते हो। अगर आप बिगनर्स हो तो आपके पास कोई ब्रश या फिर ब्लेंडर नहीं है तो आप इजिली इसको हैंड से भी ब्लेंड कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है एंड इसकी फिनिश भी काफ़ी अच्छी आती है जैसा कि आप देख सकते हो। एंड उसके बाद कॉम्पैक्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि स्वेटिंग मुझे बहुत ज़्यादा होती है। सो कॉम्पैक्ट हमें समर्स के टाइम में अप्लाई कर ही लेना चाहिए। सो आप देख सकते हो फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। उसके बाद आईब्रो फिल कर लेना है, आईब्रो पेंसिल आपके पास होगी ही। सो उसके बाद मैं यहाँ पे आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ रेड कलर का एंड नेचुरल ब्लश के लिए मैं यहाँ पे टिंट अप्लाई कर रही हूँ जिससे कि बहुत ही नेचुरल लुक आता है, थोड़ा सा भी ओवर नहीं लगता है क्योंकि डे टाइम का ये मेकअप है तो हमें नेचुरली रखना है। आप देख सकते हो कितना नेचुरल लुक आया है। सो उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा। तो मस्कारा अप्लाई कर लिया मैंने, उसके बाद मैं लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। सो लिपस्टिक मैंने रेड कलर की चूज़ की है क्योंकि मेरा जो आउटफिट है वो रेड कलर का है, तो मुझे थोड़ा सा ओवर लग रहा था, रेड ज़्यादा ब्राइट है तो मैं इसको लाइट करने के लिए एक लाइट शेड अप्लाई करूँगी। मैंने एक है कि यहाँ पे अप्लाई कर लिया। सो कुछ इस तरह से मैंने अप्लाई कर लिया एंड मेरी जो लिपस्टिक है थोड़ी सी लाइट हो गई। उसके बाद मैं ईयरिंग डालूंगी एंड मैंने सनग्लासेस वेयर कर लिया ताकि मेरा जो लुक है कूल लगे। सो आप देख सकते हो आई जस्ट लव माई लुक। सो आपको कैसा लगा मेरा लुक कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइस वीडियो अगर ज़रा से भी पसंद आई है एंड हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और भी वीडियोज़ को देखने के लिए। सो गाइस सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।